एसएचओ थाना ककराली की बुखलाहट बाकायदा रेड करके सदोवाल खुर्द के रिहायशी गुलजार के घर से मुश्तबा 7 मोटरसाइकिल जबकि 4 मोटरसाइकिलों के फ्रेम और स्पेयर पार्ट समेत एक अदद 30 बोर पिस्टल भी नफरी के हमरा बरामद किए। जबकि इनसे कबल भी गुलजार के घर में एएसआई इफ्तखार अहमद ने एक मोटरसाइकिल जबकि एक मोटरसाइकिल का फ्रेम और स्पेयर पार्ट बरामद किए। कई रोज गुजरने के बावजूद ताहाल ना तो बरामद शुदा मसरूका मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट मीडिया के सामने पेश किए गए और ना ही गुलजार वगैरह मुलजमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई। सरेआम न्यूज ने हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग करते हुए इस जुर्म को बेनकाब किया। ताहम एसएचओ थाना ककराली इदरीस अफजल अब तक कई बार अपना मौकफ तब्दील कर चुका है जिसकी रिकॉर्ड सरेआम न्यूज ने हासिल कर ली जो आगे जाकर आपको सुनाई जाएगी। इसके अलावा भी इन मोटरसाइकिल चोर गैंग के करीबी खातून जो वाजह तौर पर अपने किसी अजीज को कई मुश्तबा मोटरसाइकिलों और स्पेयर पार्ट के बारे आगाह करती सुनाई दे रही है। जबकि एसएचओ थाना ककराली ने एक सोशल मीडिया सहाफी को झूठ पर मबनी बेबुनियाद मौकफ देकर खुद को बरीउज़्ज़मा करार देने की कोशिश की। एसएचओ इससे कबल सहाफियों को इस बारे वाजह तौर पर बता चुका है कि हाँ, मैंने सदोवाल खुर्दे गुलजार नामी शख्स के घर से मुखबर खास की इतला पर रेड करके मोटरसाइकिलें फ्रेम और स्पेयर पार्ट्स बरामद किए हैं। जबकि सोशल मीडिया पर दिए गए अपने बयान में एसएचओ ने अपना मौकफ तब्दील करते हुए कहा है कि मैंने ये मोटरसाइकिल दौरान गश्त हिरासत में लिए और 550 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दी है। जबकि उन्ही मोटरसाइकिलों के बारे में एसएचओ खुद तस्लीम कर चुके हैं कि ये मुश्तबा है और एक गुलजार नामी सदोवाल खुर्द के रिहायशी गुलजार वगैरह के घर से बरामद किए। सवाल ये पैदा होता है कि जिन घरों से ये माल मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद हुई, मुबीना मुलजमान गुलजार वगैरह को जेरे हिरासत क्यों नहीं लिया गया और इन बरामदशुदा मोटरसाइकिलों के बारे तफ्तीश क्यों ना की गई। आइए आपको इस केस के बारे में एसएचओ थाना ककराले की गुजरात के एक सहाफी राजा खुर्शीद असलम के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू और सदोवाल खुर्द की बीबी रिहायशी रुबीना जो अपने अजीज एहसान उल्लाह के साथ मुश्तबा मोटरसाइकिलों के बारे में गुफ्तगू करते हुए सुनाई दे रही है, जिसमें वो वाजह तौर पर 5 से ज्यादा मोटरसाइकिलों के गुलजार के घर में मौजूदगी के बारे में बता रही है। अब फैसला अवाम और अदारों के सुपुर्द है कि असल हकायक क्या है। सरे आम न्यूज ने हमेशा मस्बत और हकायक पर मबनी सहाफत की है। हाँ जी सानिया, अली दे रक्षे दे विच कुछ है तार के ना ते बाल के नहीं उते बाहर को बंदे खले कर अपने किथे अली दे रक्षे वे तार के खड़न लगे ना। आहो अली दे रक्षे खले कुछ चीज तार दे पे यहाँ बचा के। मोटरसाइकिल लैके गई मां शमरेज खोल की किथे जिस तरह समझ आ जाएगी मैंने कहा गल सदका है करो मेरे बह गल कर लेना इफ्तार ए असी ना